चलती चलती गर्मी अभी और है बढ़नी। जी हाँ, अब तक गर्मी ने जो सितम ढाया है वो तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली पिक्चर अभी बाकी है। सवाल है कि इस साल आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, हीट वेव क्यों चल रही है, तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में 17 मई से लगातार हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में अगले 4 से 5 दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर ही रहने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे मई 2024 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में 8 से 11 दिन तक हीट वेव की स्थिति रहेगी। आमतौर में यहाँ पर 2 से 3 डिग्री ही हीट वेव चलती थी, लेकिन 1901 के बाद 2024 दूसरा ऐसा साल है जब इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। 21 मई को दिल्ली से सटे नजफगढ़ में रिकॉर्ड 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। बीते 2 दिनों से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और गुजरात में तापमान 43 डिग्री से लेकर के 47 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। वहीं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के भी ज्यादातर हिस्से में तापमान 40 डिग्री से 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सौराष्ट्र और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में 5 से 6 दिनों तक लगातार हीट वेव चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि IMD ने फिलहाल 24 मई तक के लिए मौसम का अनुमान लगाया है। 24 मई तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गुजरात में हीट वेव चलेगी। हीट वेव को लेकर के मौसम विभाग ने 5 से 7 दिनों तक का ही अनुमान लगाया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हीट वेव या गर्मी से तभी राहत मिलेगी जब बारिश हो। मानसूनी हवा देश में जिस जिस हिस्से में मूव करती है वहां हीट वेव और गर्मी से राहत मिलती है। 20 जून के आसपास मानसूनी हवा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या आसपास के राज्यों में पहुंचती है। कई बार मानसून हवा कुछ दिनों लेट भी होती है, कुछ दिन लेट भी पहुंचती है। IMD का अनुमान था कि इस बार मई में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में सामान्य से ज्यादा हीट वेव चलेगी। मतलब साफ है कि इन महीने हीट वेव प्रोन स्टेट्स में राहत मिलने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा कम है। देश में गर्मी के मौसम 3 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। पहला हिस्सा जो है वो है प्री समर सीजन। मार्च और अप्रैल तक गर्मी की शुरुआत होती है। अप्रैल में पहले सप्ताह से लू चलने के साथ ही गर्मी की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा है पीक समर सीजन। मई और मध्य जून में पीक समर सीजन होता है और इस समय सूर्य भूमध्यम रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, जिससे पूरे देश में गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। और तीसरा है पोस्ट समर सीजन। जून के आखिरी सप्ताह में गर्मी थोड़ी कम होने लगती है। जैसे जैसे मानसूनी हवाएं देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती हैं, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। कई बार मानसून चक्र में बदलाव की वजह से जुलाई महीने में भी भीषण गर्मी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, उनमें अभी भी हीट वेव जो है चलेगी। राहत की कोई भी आशंका नहीं है। जून 20 से शायद मौसम में जो थोड़ा सुधार है वो उम्मीद किया जा सकता है। वहीं साउथ में अगर देखा जाए तो वहां पर बारिश हो रही है। आपके इलाके में कब आएगा मॉनसून, इस पर भी हमने अलग से एक वीडियो किया है, आप एबीपी लाइव के प्लेटफॉर्म पर जाकर के देख सकते हैं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।